नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल भारत यात्रा विथ महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की। अगर आप उज्जैन महाकाल मंदिर यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा कैसे करें, इस मंदिर की इतिहास क्या है तथा यहाँ रुकने तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में रुद्रसागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस जगह को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यवस्थित जीवन होने के बाद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह की मन की शांति को प्रदान करता है। दोस्तों, अब आपके मन में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास को लेकर काफ़ी सवाल होंगे, तो चलिए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा, और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया, और विष्णु जी हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। ज्योतिर्लिंग वह जगह है जहां भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य में हिमालय के केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में या हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ, गुजरात का द्वारका का नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम का रामेश्वर और महाराष्ट्र और औरंगाबाद का ग्रीनेश्वर का नाम शामिल है। अब हम बात करते हैं इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में। यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है, और यह एक दक्षिणा मूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। यह खास बातें सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में ही पाई जाती है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर का लिंग स्थापित है, लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नागपंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोला जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर में होने वाली भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। अगर आप यहां की सबसे खास भव्य आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह आरती बहुत विशेष होती है। भक्त आरती महत्वता की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर आएँ। यहाँ की समिति आपको अपने आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है।
तो आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने का रहेगा। यह समय सर्दियों और बसंत का रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर जाने के लिए और कोई नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचें। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि उज्जैन शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर और चिंतामन मुख्य रूप से तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ कई ट्रेनें नियमित आती है जो भारत के महत्वपूर्ण शहरों से उज्जैन को जोड़ती है। यहाँ पहुँचने के बाद आप टैक्सी के द्वारा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। इंदौर के लिए आपको देश के सभी बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद से फ्लाइट मिल जाएगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर से महाकालेश्वर की दूरी 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से आप टैक्सी या कैब लेकर महाकालेश्वर पहुँच सकते हैं। और रही वहाँ ठहरने की बात, तो अगर आप मंदिर में ही रुकना चाहते हैं तो बता दें कि श्री महाकाल धर्मशाला और पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला दोनों एसी और नन एसी कमरे उपलब्ध कराते हैं। इस जगह आप रूम आसानी से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है उज्जैन महाकाल मंदिर की फुल टूर गाइड। अगर मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं। जय महाकाल।